दिखते हैं आंखों सुनते कानों को एक दफा फिर शाहरुख का सलाम पहुंचे। तो जनाब आज हम बनाने जा रहे हैं वेबसाइट के लिए बैनर, या आप किसी चीज़ के लिए भी अगर इसको बैनर बनाना चाहें तो उसको आप यूटिलाइज कर सकते हैं। तो आज हम जो बना रहे हैं वो है शूज़ के हवाले से एक बैनर, ठीक है। तो फिलहाल हम इसका साइज़ कैसे लेंगे, फाइल पर आप आएंगे, न्यू पे आप क्लिक करेंगे और इसका साइज़ होगा 3250x1470। नहीं, हम इसको थोड़ा सा छोटा करते हैं, हम इसको करते हैं ये साइज़ देख लें आप 1500x625। तो हम यहाँ से लेंगे फाइल न्यू, इसको करेंगे 1500x625 और रेजोल्यूशन रखेंगे हम 72 और उसको करेंगे क्रिएट। तो आपके पास ये साइज़ आ जाएगा, मैंने पहले से बनाया हुआ था, ठीक है। फिलहाल मैं इसको बंद कर देता हूँ, ये साइज़ आपके सामने आ चुका है। सबसे पहले आपने यहाँ पे कलर लेना है बैकग्राउंड का, यहाँ पे क्लिक कीजिएगा और यहाँ पे कलर पेस्ट कर रहा हूँ मैं, कलर देख लीजिए ये कलर का कोड है, ओके आपने करा। ऑल्टर बैकस्पेस करेंगे, ये कलर आपके सामने आ जाएगा, हल्का सा डार्क ग्रेइश है। अब आपने करना क्या है, अब आपने एक लेयर खोलनी है और यहाँ से लेना है आपने रेक्टेंगल टूल और इसको ड्रॉ करेंगे आप इतना, यहाँ पे ऐसे कर लें, ठीक है। इसके अंदर ब्लैक कलर डाल देते हैं, यहाँ पे क्लिक करेंगे, यहाँ से ब्लैक कलर लेंगे, ओके करेंगे, ऑल्टर बैकस्पेस दबाएंगे, वो कंट्रोल डी से सिलेक्शन जो आ रही थी इसके ऊपर वो ख़त्म करेंगे। अब यहाँ पे मैंने कुछ इमेजेस खोल के रखे हुए हैं ऑलरेडी, तो यहाँ से मैं इसको ड्रैग करूँगा, यहाँ पर रखूँगा, ये इमेज आ गया। कंट्रोल टी करूँगा ट्रांसफॉर्म, इसको छोटा करूँगा ऑल्टर से, इसको यहाँ लेके आऊँगा, थोड़ा सा बड़ा करूँगा ताकि इसके अंदर एडजस्ट हो जाए इस तरीके से। अब इस लेयर के बीच में आके ऑल्टर क्लिक करूँगा तो ये इसके अंदर चला जाएगा, ठीक है। अब कंट्रोल यू करूँगा और इसकी सेचुरेशन का कर दूँगा बिल्कुल -100, ठीक है जी, ये आपके सामने आ गया इस तरीके से। अच्छा जी, एक लेयर और खोलेंगे, इसको ऑल्टर क्लिक करके इसके अंदर करेंगे, ठीक है। यहाँ से लेंगे हम ग्रेडियंट टूल और ग्रेडियंट ऊपर से बेसिक में आके लेंगे ये वाला, एक एक तरफ ट्रांसपेरेंट होगा और एक तरफ ब्लैक होगा क्योंकि यहाँ पे आपने ब्लैक कलर लिया हुआ है। शिफ्ट के साथ इसको ड्रॉ करेंगे, सेलेक्ट करेंगे ऐसे थोड़ा सा और ऊपर, ठीक है, यहाँ तक काफ़ी है। और उसके बाद हम आएंगे यहाँ पे, यहाँ से ये लाइन उठा के रखेंगे इधर, ठीक है। राइट क्लिक, कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट, कंट्रोल टी, इसको थोड़ा सा छोटा कर लेंगे, काफ़ी बड़ा है ये, इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट मैंने इसलिए करा है ताकि अगर मैं उसको बाद में छोटा बड़ा करना चाहूँ तो इससे पिक्सलेट ना हो, ठीक है। तो मैंने इसको यहाँ रख दिया इस तरीके से। अब आपने क्या करना है, एक लेयर खोलनी है, यहाँ से सिलेक्शन टूल ले लिया, इसको ड्रॉ कर दिया इस तरीके से यहाँ पे, और थोड़ा सा बड़ा कर लीजिएगा इसको यहाँ तक, ठीक है। बाद में अगर हमें छोटा करना हो तो कर लेंगे। यहाँ से कलर सेलेक्ट टूल लेंगे, इसको सेलेक्ट करेंगे और ऑल्टर बैकस्पेस दबाएंगे, कलर इसके अंदर आ जाएगा, इसको हमने यहाँ रखा। कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट कर देते हैं इसको भी, ठीक है, कंट्रोल टी से थोड़ा सा छोटा करा इसको। अब मैं यहाँ से टेक्स्ट टूल लेता हूँ और यहाँ पे टाइप करूँगा मैं एयर और इसका कलर करता हूँ मैं ब्लैक। यहाँ से फॉन्ट लेता हूँ मैं ऑक्सफोर्ड, इसको बड़ा कर देता हूँ और इसको कर देता हूँ मैं रेगुलर, ठीक है, इसको यहाँ रखा, कंट्रोल टी से बड़ा कर लिया इसको थोड़ा सा। इसी की कॉपी और बना लेता हूँ मैं कंट्रोल जे से। अब यहाँ क्लिक करके मैंने JORDON लिख दिया, अच्छा DON नहीं है, DAN है, जॉर्डन, इसको सेलेक्ट करके यहाँ क्लिक करा, यहाँ से इसका कलर रेड ले लिया, ठीक है। अच्छा जी, अब हम करते हैं इसको थोड़ा सा साइड में रखते हैं, ठीक है, और यहाँ से लोगो उठाते हैं, इसको पे क्लिक करके मूव कराते हुए यहाँ रख देते हैं, ठीक है। राइट क्लिक करके कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट, कंट्रोल टी करा, इसको थोड़ा सा छोटा करके इसको यहाँ रख दिया, ठीक है। अब हम आते हैं शूज़ पे, यहाँ से शूज़ उठाया, यहाँ रखा ऐसे, राइट क्लिक करके कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट, कंट्रोल टी, राइट क्लिक, फ्लिप हॉरिजॉन्टल, इसको करा थोड़ा सा छोटा ऐसे और इसको रखा यहाँ पे, ठीक है। इसकी कंट्रोल जैसे डुप्लीकेट बनाई जो नीचे वाला है, इसको थोड़ा सा पीछे खिसका दिया ऐसे और थोड़ा सा ऊपर करा ऐसे, ठीक है। अब शेडो देना है, ठीक है, एक लेयर खोलेंगे, यहाँ से ब्रश टूल लेंगे और थोड़ा साइज़ बढ़ा लें। अच्छा देखिए, सर्कल अगर कभी ना आए ना तो कैप्स लॉक दबाइएगा, तो अक्सर ऐसा होता है कि सर्कल नहीं आ पाता है तो कैप्स लॉक दबाते हैं, और कर्ली ब्रैकेट से, राइट कर्ली ब्रैकेट से बड़ा होता है और छोटा होता है, ठीक है। डी दबाएंगे, डिफ़ॉल्ट कलर ब्लैक हो जाएगा, क्लिक कीजिएगा। अच्छा हल्का क्यों आ रहा है, क्योंकि ओपेसिटी 28 है, तो उसको बढ़ा लें कभी ऐसा तो ओपेसिटी देख लीजिएगा, क्लिक करा, कंट्रोल टी, इसको छोटा करेंगे ऐसे, एक यहाँ रखा, थोड़ा सा कंट्रोल टी करके इसको थोड़ा सा बढ़ा लेंगे,
ताकि नीचे तक शेप आए, कंट्रोल जे करा और एक रखा आपने यहाँ पे, ठीक है जी। अच्छा एक काम करते हैं, शूज़ को थोड़ा सा और पीछे निकालें और इसको थोड़ा सा ऐसे रखें, ठीक है जी, थोड़ा सा अंदर की साइड, जब आप सेटिस्फाई हो जाए, ठीक है, ये हो गया यहाँ तक। अब आ जाएं सबसे टॉप पे। अब आपने क्या करना है, क्लियर खोलनी है, उस पर आपने एक रेक्टेंगल ले लिया, या चले अभी हम रेक्टेंगल मरकी से ही काम कर रहे हैं, तो इसको ड्रॉ करें ऐसे, ठीक है, और लेयर खोल के इसमें ब्लैक कलर डाल दीजिएगा और टेक्स्ट लिखेंगे यहाँ पे आप बाय नाउ, ठीक है, और कलर इसका वाइट होगा, साइज छोटा कर दीजिएगा, ठीक है। ओ उसी पे मैंने लिख दिया, चले चले गलती हो गई, कोई मसला नहीं, क्लियर खोल के यहाँ क्लिक कीजिएगा बाय नाउ, और इसको कर देंगे आप सेमी बोल्ड, इसको रखेंगे ऐसे, कंट्रोल टी से थोड़ा सा बड़ा कर लीजिएगा, ठीक है, एक ही फॉन्ट यूज़ हो रहा है और कोई फॉन्ट यूज़ नहीं हो रहा, ठीक है। अच्छा जी, अब आप आते हैं सबसे इस वाले पे, इसको उठाएं टेक्सचर को, ठीक है, टेक्सचर है हमारा, इसको उठा के यहाँ रखें और इसके ऊपर रख दिया आपने, इसको कर दिया आपने कलर बर्न और इसको कर दिया आपने 30, ठीक है, इसको 30 देना है, ज़्यादा नहीं दीजिएगा। अब आप इसके बराबर वाला जो आपने देखा था ये वाला, नहीं हमारा कहाँ गया, ये तो हमने डाला है ना, एक काम करते हैं इसको उठाते हैं, ठीक है, ये आपने इसको ड्रैग करा यहाँ रखा, इसको यहाँ रख दिया, इसको कंट्रोल टी से थोड़ा सा छोटा कर लीजिएगा, बहुत बड़ा साइज है इसका ये, इसको यहाँ रखा पहले फ़िलहाल, और इसकी करी आई क्लोज और इसको सेलेक्ट करा, इसको भी कंट्रोल टी से छोटा करा, ये भी बहुत बड़ा साइज़ है, ठीक है, इसको ऐसे रखेंगे यहाँ पे, ठीक है, थोड़ा सा इसको अंदर दबाएंगे, थोड़ा इसको ऊपर लेके जाएंगे, ठीक है। अब इसको कंट्रोल अल्टर ज़ीरो करें ताकि थोड़ा सा साइज़ बड़ा हो, इसको कर दें आप ओवरले और इसको कर दें आप 70, ठीक है, 70 कीजिएगा, ठीक है, इंटर मारा मैंने। अब इस पर क्लिक कीजिएगा, इसको कर दीजिएगा मल्टीप्लाई और इसको कर दें आप 60। अब आप इस पर आते हैं, इसको उठा के यहाँ रखते हैं, ठीक है, कंट्रोल टी से इसका भी साइज़ छोटा करना है आपने, ठीक है, कंट्रोल टी दबा के इसका साइज़ छोटा कर दीजिएगा और थोड़ा सा इसको फैला के यहाँ रखिएगा, और इसको भी आप कर देंगे ओवरले, ठीक है, या एक काम करें इसको करें स्क्रीन, एक मिनट ओवरले देखें, अच्छा यहाँ पे ओवरले सही है, इसको आप कलर बन ही रखिएगा, कलर बन करा और इसकी ओपेसिटी कर दी आपने 30, ठीक है। उसके बाद लास्ट स्टेप जो है, यहाँ से आप प्लास्टिक उठाएंगे, ये रखेंगे आप इसके ऊपर, कंट्रोल टी कर दीजिएगा, ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बताया था, कंट्रोल टी से ट्रांसफॉर्म करते हैं, इसको छोटा करा, इसको रखा यहाँ पे, ठीक है, और इसको कर दिया आपने ऊपर ले जाके स्क्रीन, ठीक है, ये आपका आ गया इस तरीके से। और अगर थोड़ी ट्विकिंग करना चाहते हैं तो जो ये पेपर है इसको थोड़ा सा कम कर दें भला से, इसको थोड़ा सा कम करें और इसको थोड़ा सा कम करके देख लें, काफ़ी है, मतलब जहाँ आपको सेटिस्फाई हो वहाँ रुक जाइएगा, ठीक है। ये आपका वेबसाइट का बैनर बन चुका है एयर जॉर्डन का, ये आप देख सकते हैं कितना कूल लग रहा है, ठीक है, ये आप वेबसाइट पे यूज़ कर सकते हैं, कहीं भी आप इसको यूटिलाइज करना चाहें इजीली यूज़ कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। मेरा एक दूसरा और चैनल है शाहरुख मैजिशियन के नाम से, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, उसको भी ज़रूर देखिएगा। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।